भारत की राजनीति में देखें तो आप खुद जज कीजिए कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की 10% भी सोच रखते हैं। जो मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है वो असल में बहुत दूर का निशाना साध रही है। हम आशा करते हैं कि कांग्रेस ही इस वीडियो को देख के बुरा न माने, क्योंकि इतनी दूर की सोचने का कांग्रेस का एटीट्यूड आज की डेट में तो नहीं लगता। नमस्कार, मैं प्रस्तुत शर्मा, टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स के शो राजनीति कल्चर लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि 1960 के दशक में अरब देशों की कोई हैसियत नहीं थी, क्योंकि उस समय तेल की कोई ज़्यादा मांग नहीं थी। 1969 में जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो दूरदर्शी निक्सन ने अरब देशों से तेल का भाव डॉलर में तय करने के लिए कहा। बदले में निक्सन ने अमेरिका के लिए रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तेल भी खरीदा। अरबी इस बात से संतुष्ट हो गए और उन्होंने तेल का दाम डॉलर में तय किया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय तेल बहुत सस्ता था, मगर जैसे ही कारों और ट्रकों का युग शुरू हुआ तो अचानक तेल के दाम सर चढ़ के बोलने लगे। इससे सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को हुआ, क्योंकि उसके पास तेल का भंडार भरा हुआ था और डॉलर की मजबूती सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई थी। यदि तेल का भाव डॉलर में ना होके किसी और करेंसी में होता तो आज डॉलर की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये थी रिचर्ड निक्सन की दूरदर्शिता। मैं मानता हूँ निक्सन ने पाकिस्तान का साथ दिया, भारतीयों को गाली दी, मगर दुश्मन से कुछ अच्छी बात सीखने को मिले तो उसको सीख लेनी चाहिए। अब अमेरिका की बात हो गई, अब चलिए हिंदुस्तान लौट चलते हैं। अरब देशों में राजनीति जिस तरह बिगड़ गई है उसको देख के लगता है सुन्नी और शिया के नाम पर एक अरब युद्ध होने वाला है। सुन्नी शिया की लड़ाई में नुकसान अभी तो भारत का ही है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दोनों ही भारत के दोस्त हैं। भारत में अब तक जो भी आक्रमण करने के लिए आए हैं सभी ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते आए हैं। जो गलती राजा और महाराजाओं ने की वो भारत सरकार अब दोहराना नहीं चाहती, इसलिए ईरान ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम का है, मगर वो तेल की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। मोदी सरकार की दूरदर्शिता ये है कि जब वो अमेरिका गए थे तब वो अमेरिकी कंपनी टेस्ला मोटर्स के सीईओ अधिकारियों से मिले। टेस्ला मोटर्स अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक कारों की क्रांति लेके आया है। अमेरिका में ये कारें शुरू हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी 2030 तक इंडिया में भी लाना चाहते हैं। नीति आयोग ने भी इसी की मंजूरी दे दी है, मगर इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए लिथियम गैस की ज़रूरत है जो भारत के पास ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जैसे चाइल और बोलीविया में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए जो दाव निक्सन ने अरब देशों पे खेला था वही दाव अब नरेंद्र मोदी लिथियम बहुल देशों में खेल रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद को इन देशों की यात्रा पर भेजा गया था और उनके साथ डील भी सक्सेसफुल रही है। भारत इन देशों को मिलिट्री ट्रेनिंग और जैसा कि आप जानते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम उनसे ज़्यादा बेटर है, तो शिक्षा विभाग में भी उनका साथ देगा और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देगा। बदले में हमें लिथियम मिलेगी और वो भी रुपयों में। उम्मीद है आपको अमेरिका और भारत का पूरा खेल समझ आ ही गया होगा। ट्रंप और मोदी दुनिया के सामने लड़ाई का दिखावा कर रहे हैं, मगर असल में हाथ मिलाकर दुनिया को नचाने में लगे हैं। 2030 तक अमेरिका और भारत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। हो सकता है कोई यूरोपियन देश इस रेस में आ जाए, लेकिन फिलहाल तो दोनों महान लोकतंत्र लिथियम जुगाड़ने में लगे हैं। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कारों का युग आ गया तो समझिए अरबी देशों के बुरे दिन चालू हो गए। भारत की राजनीति में देखें तो आप खुद जज कीजिए कि क्या कांग्रेस ही नरेंद्र मोदी की 10% भी सोच रखते हैं। जो मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है वो असल में बहुत दूर का निशाना साध रही है। हम आशा करते हैं कि कांग्रेस ही इस वीडियो को देख के बुरा न माने, क्योंकि इतनी दूर की सोचने का कांग्रेस का एटीट्यूड आज की डेट में तो नहीं लगता। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।